जॉर्ज बुश ने भी मॉन्यूमेंट के सामने आकर अपनी आखिरी स्पीच दी थी। बस अगर हम जॉर्ज बुश होते तो हम भी फैशन शो कर लेते लोदी गार्डन्स में। तो ये इल्जाम तो कम से कम साबित होता है कि मनमानी करती है, जिद्दी है, स्टबन है और आप इससे अलग हटने वाली सुधरने वाली भी नहीं है। मैं जिस दिन मैं सुधरूंगी तो आई डोंट थिंक आई विल स्टे अ डिजाइनर और अ क्रिएटिव पर्सन। आपके डिजाइन के बारे में इल्जाम है, लंबी फहरिस्त हमारे पास में, हम एक ब्रेक रोकेंगे और ब्रेक के बाद रितु बेरी पर जनता के मुकदमे का एक और आपकी अदालत में आज कटघर में मौजूद है जानी मानी फैशन डिजाइनर रितु बेरी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम रितु बेरी पर। आपकी अदालत में फैशन डिजाइनर रितु बेरी पर आरोप है कि ये सिर्फ पब्लिसिटी पर ध्यान देती हैं। रितु बेरी ये बात सही है कि इंडिया के किसी और फैशन डिजाइनर ने दुनिया की ये वर्ल्ड कैपिटल्स है उसमें इतने शोज नहीं किए जितने आपने किए? मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने दूसरे डिजाइनर्स का हिसाब नहीं रखा कि वो क्या कर रहे हैं और कितने शोज किए हैं, लेकिन मैंने बहुत शोज किए और मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। लेकिन मैंने आपका पूरा हिसाब रखा है। आई नो दैट आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड ऑफ दिस बट आई कैन कीप इट फॉर माई आर्काइव्स। और जितनी पब्लिसिटी आपने ली है ऐसे शोज करके किसी और डिजाइनर ने नहीं ली? वेल आई एम रियली ग्रेटफुल टू द प्रेस फॉर हैविंग टेकन माई वर्क टू द पब्लिक। कुछ लोगों ने अच्छा कहा, कुछ लोगों ने बुरा कहा, पर वो व्हेन यू आर इन यू नो व्हेन यू आर इन अ प्लेटफॉर्म एक्सपोज टू द वर्ल्ड तो कुछ लोग आपको पसंद करेंगे और कुछ लोग नहीं करेंगे, लेकिन मैंने प्रेस के हाथ पकड़ के उनसे लिखवाया तो नहीं अपने बारे में। दे रिटन व्हाट दे बिलीव एंड आई थिंक आई डन वर्क वर्दी ऑफ बीइंग रिटन अबाउट। सो आई एक्सेप्ट दैट पब्लिसिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी डिजाइनर। कुछ भी काम करो अगर वो लोगों तक नहीं पहुंचे तो वो क्या काम है, और अगर प्रेस लिखे नहीं तो वो लोगों की तरफ कैसे पहुंच सकती है। लेकिन जो आपके जो राइवल फैशन डिजाइनर्स हैं जिनको पब्लिसिटी नहीं मिलती वो कहते हैं कि रितु बेरी के बारे में इसलिए अखबारों में छपता है कि वो दिखने में बहुत सुंदर है। एक तो मैं आई एम गोइंग टू यूज दिस प्लेटफॉर्म टू थैंक माई सो कॉल्ड राइवल डिजाइनर्स बिकॉज आई स्टिल डोंट नो देम। व्हेन आई मीट देम वो मेरे को बहुत प्यार से मिलते हैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड्स होके मिलते हैं, लेकिन जो भी है अगर वो सोचते हैं कि मैं एक तो उन्होंने they've made me feel like a Bollywood star and they've given me so many compliments all the time that I'm really grateful to them, but 15 साल looks पे तो नहीं आप you know you can't carry on working based on your looks for 15 years। बड़े बड़े बहुत खूबसूरत फिल्म एक्ट्रेसेस भी 15 साल नहीं अपने गुजार सकते। उनका तो कहना है कि रितु बेरी को फिल्मों में एक्टर होना चाहिए था बजाय डिजाइनर होने के। मे बी आई हैव क्रॉस दैट टाइम बट समटाइम्स इवन आई थिंक इट वुड बी फन टू प्ले डिफरेंट रोल्स, बट अगर इतना आसान है तो उनको प्लास्टिक सर्जरी कर लेनी चाहिए। दे शुड लुक लाइक मी एंड दे विल बी सक्सेसफुल। इल्जाम यह है कि आपको फैशन डिजाइनिंग तो कुछ नहीं आता, अगर जो भी इस्तेमाल करते हैं जो आपके राइवल्स का बार बार ही कहना है कि रितु बेरी पुशी है, अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करती है, नेटवर्किंग का इस्तेमाल करती है और इससे पब्लिसिटी मिलती है, इससे नाम होता है। कितना आसान होगा कि कोई पीआर एजेंट या पीआर एजेंसी खोल के नेटवर्क और कनेक्शन से पब्लिसिटी ले सके, बट आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू बिकॉज आई थिंक वी हैव अ इंटेलिजेंट ऑडियंस, वी हैव इंटेलिजेंट पीपल who can understand that connections, PR. I'm very fortunate ki I'm blessed with great friends who are very famous, who are like you, very well connected, very powerful people. But this is my kismet, I just know them. And I don't think you can make friends and force people to be your friends. I don't think I've used my relationships for business and business for relationships. ये सच नहीं है कि आपने कई तरह की केटी होम्स, निकोल किडमैन, इनके डिजाइन कपड़े डिजाइन किए और सिर्फ इसलिए कि पब्लिसिटी मिले, इससे अखबारों में नाम छपे? मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मैंने इनके कपड़े किए बिकॉज दे आर ब्यूटिफुल वर्ल्ड सेलिब्रिटीज, लेकिन जब मैंने केटी होम्स के कपड़े किए तो किसी को पता भी नहीं था। आई डिडंट लेट द प्रेस नो बट दे फाउंड आउट or I didn't really talk about it to the press, but I think if I sneeze they probably say she has pneumonia, so everyone has a way of finding out and look at you, aapko sab pata hai mere baare mein.
So I don't think I did it with publicity in mind. जो इंडियन फिल्म स्टार्स हैं इनसे काफी दोस्ती है आपकी, रेखा से मैंने सुना बहुत दोस्ती है, माधुरी दीक्षित के कपड़े आपने डिजाइन किए हैं जी, ये सही है, और इन सब का फायदा होता है पेज 3 में तस्वीरें छपाने में? Well, Rekha is somebody I look up to and I love, and she was there at my wedding. Now, wedding में मेरे को कोई publicity की इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी, और माधुरी दीक्षित is very famous. जो भी वो करती हैं वो paper में लिखा जाता है, और I designed her clothes and that got me some press, but I didn't really do it with that. ये भी सच है कि रितु बेरी बहुत famous है, जो कुछ करती है वो प्रेस में छपता है। जी, ये मैंने भी सुना है। और इसके लिए कभी-कभी स्टंट करती हैं? जैसे? जैसे आप अपनी बुक रिलीज की, आपने 1 लाख रुपए की किताब, ये स्टंट नहीं है? I thought a stunt would be if I came in flying with my book and tried to show off with my book. But this book of mine is, you know, मैं करती कुछ हूँ और लोग दूसरी चीज पे फोकस करते हैं. Like I was trying. बोली भी नहीं आप कुछ कर रहे हैं. नहीं, मैं थोड़ी सी तो बोली हूँ, लेकिन I didn't realize that this book would get me the focus would be on. Anyway, this book has taken a long time to put together. करीबन 3-4 साल से मैं इस बुक पे काम कर रही हूँ. इस बुक में बहुत कुछ है जो बहुत स्पेशल है, उसकी प्रिंटिंग बहुत स्पेशल है, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत स्पेशल है. सिर्फ 100 कॉपीज हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये 100 कॉपीज आप जैसे मेरे वेल विशर्स, फ्रेंड्स और खरीद के, देन आई वांट टू हैव अ रीप्रिंट ऑफ a lot more copies which will be affordable and given away to the press. आप पहली दोस्त होंगी जो अपने दोस्तों की जेब काटना चाहती है. नहीं, पहली तो नहीं हूँ, लेकिन I don't think my friends will think, आप अगर मैं आपको बुक दूं तो आप सोचेंगे कि मैं आपकी जेब काट रही हूँ. 1 लाख रुपए की किताब, कोई क्या पढ़ेगा उसमें?